ही कमजोर हो गई हैं, पोस्चर आगे जा रहा है, शोल्डर्स आगे की तरफ जा रहे हैं, गर्दन में आगे रिंकल्स आना चालू हो गए हैं। करने की है, देखें क्या चेंज आता है। अरे ये जैसे ही चलता है, एक्सरसाइज करता है, देखिए अंदर किस तरह से मोड़ जाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ बॉबी मारिया है। बॉबी मारिया 30 साल का है ना। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, कि बॉबी 10 सालों से परेशान। हाँ जी सर, मेरा नाम बॉबी है और मैं तकरीबन 15 सालों से पत्थर का काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक टाइम में क्या हुआ कि पत्थर उठाने के साथ में एक बार मेरे कमर में झटका आ गया था। तो उसके बाद से मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए। मैंने काफी जगह ट्राई किया, बहुत जगह मतलब पेन किलर वगैरह काफी, यानी मेरा पैसा काफी वेस्ट हो गया। तो मुझे कहीं जाके रिलीफ नहीं हुआ। ओजोन भी करवाया मैंने, थेरेपी वगैरह भी करवाई, उससे भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर मैंने सर का वीडियो देखा, देखता तो मैं काफी दिन से था, लेकिन क्या है कि मुझे जैसे आने का टाइम नहीं मिला। तो फिर जैसे मुझे टाइम मिला तो आज मैं सर के पास आया और मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मुझे अच्छे से समझाया। उसके बाद में अब आगे जो मेरा ट्रीटमेंट होगा, अभी मुझे बेटर फील हो रहा है। कि आप सब लोग भी इतने, बॉबी ने जो एक ओजोन थेरेपी ली वो 70-80 हज़ार रुपए की थी करके, यानी कि बैक में जाने से पहले नेक का भी देखेंगे, ये झुक के काम करता है। कि ये सारी चीजें देखो, उसकी गर्दन भी कितनी नीचे झुक गई है, सारे रिंकल्स पड़ गए हैं झुकने की वजह से, ये ऊपर की सारी मसल्स ही कमजोर हो गई हैं, पोस्चर आगे जा रहा है, शोल्डर्स आगे की तरफ जा रहे हैं, गर्दन में आगे रिंकल्स आना चालू हो गए हैं, है ना। तो 30 साल की उम्र में इतनी सारी दिक्कतें, इसका मेहनत का काम सब इसकी बॉडी पे नजर आ रहा है। अब मैं इसको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ इसके ऊपर, इसमें नमक के लिए पहले इसका पाँव नाप लेते हैं, पाँव में कहीं कोई इम्बेलेंस तो नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत इम्बेलेंस मुझे नजर आ रहा है, इसके पाँव के आर्चेस लो हैं कर रहे थे, तो देखिए क्लियरली नजर आ रहा है कि बीच में कोई भी आर्च नहीं है। तो ये इसका मेजर कारण है। बैक देख रहे हैं, बैक में जैसे ही मैं इस राइट साइड में फील कर पा रहा हूँ, ये उठी हुई है कंपेयर टू द लेफ्ट, तो ये भी पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से लेफ्ट की तरफ बेंड करता है चलते समय, यही इम्बेलेंसेस के पाँव में भी नजर आ रहे हैं। अब मैं थोड़े से वर्टिब्रास को एडजस्ट करता हूँ, इजी ब्रीथ आउट, ओके ओके रिलैक्स, इजी ब्रीथ आउट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे दोस्त, आप सब लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि हाई आर्चेस, लो आर्चेस और फ्लैट फीट क्या होते हैं, दोबारा बता दूंगा। हाई आर्चेस जिनके आर्चेस नॉर्मल से ज्यादा होते हैं, और वो भी अनफॉर्चुनेटली हाई आर्च में आता है, इसकी सारी जो प्रॉब्लम है वो हाई आर्च की वजह से है। हमें जो लग रहा था लो आर्च जब हम असेसमेंट कर रहे थे, तो देखिए क्लियरली नजर आ रहा है कि बीच में कोई भी आर्च नहीं है, तो ये इसका मेजर कारण है। अब मुझे पूरी तरह से पता है कि ये अब ये ठीक हो जाएगा। ये जो MRI लेके आया था उसमें ऐसी कोई भी मुझे दिक्कत नजर नहीं आई थी, क्योंकि उसमें बल्ज प्रोट्रूजन नहीं था, ना ही एक्सट्रूजन था। तो एंगल्स देखना है, एंगल्स सीधा होना चाहिए, तभी आदमी सीधा खड़ा रहता है, तभी दिक्कत कम होती है। अब इसका ये देखो, ये लेफ्ट पाँव है, ये राइट पाँव है, दोनों ही पाँव बाहर की तरफ जा रहे हैं, राइट ज्यादा जा रहा है, लेफ्ट कम जा रहा है। समझ जाओ कि तुम क्या हो, ओवर प्रोनेशन में हो। ये है तुम्हारा पोस्चर, तो तुम्हारी दिक्कत यही है, इसीलिए तुम राइट से लेफ्ट में ज्यादा वजन डाल रहे हो, जो मैंने तुम्हें लेटते समय बताया था। पहली फोटो खड़े रहने की है जो हमने आपको अभी दिखाई है, दूसरी फोटो हमारी चलने की है, ये एक्सरसाइज करने की है, देखें क्या चेंज आता है। अरे ये जैसे ही चलता है, एक्सरसाइज करता है, देखिए अंदर किस तरह से मोड़ जाते हैं, है ना। तो ये तो दिक्कत जैसी ओवर से सीधे सीवियर प्रोनेशन में चली जाती है, तो इसके लिए काम करना ज्यादा मुश्किल इस वजह से हो रहा है। खड़ा रहना इतना दिक्कत नहीं है जितना कि इसके लिए कोई भी काम बैठ के करना या चलने के लिए, है ना। तो ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे मोड़ जाओगे तो कैसी दिक्कत नहीं होगी,
तो अब हम इसको देखना है कि अगर इसको हम इंसोल देते हैं पाँव में, पाँव सीधा करके, तो कितना सीधा कर सकते हैं। ये लोच लेफ्ट पूरा ठीक हो गया, राइट करीब 80% ठीक हो गया। देख लो यहाँ से ये अंदर गिर रहा है इंसोल पहनते ही, नीचे भी ठीक हो गया, और ये एंगल्स भी देखो कितना ये मोटा नजर आ रहा है, ये भी कम हो गया। तो व्यूअर्स हमारे पास में इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसको ट्रीटमेंट तो लेना ही है, साथ में इसको एक कस्टमाइज इंसोल पहननी पड़ेगी जूते में, जिससे इसका काफी सारा दिक्कत 80-90% तक ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स जैसे ही हमने इसकी पाँव की तरफ देखा एडजस्टमेंट करते समय, हमें पता चल गया कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो उसके पाँव से है। हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो और बहुत आराम से इसका ट्रीटमेंट हो जाए, बट हाई आर्चेस होना एक जेनेटिक कंडीशन है जो बचपन से ही होते हैं, माता पिता से बच्चों में आते हैं, और वो लोग जो ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को दिक्कत होना चालू होती है। अब मैं बॉबी को इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि इंसोल कैसे बनाई जाती है। हम यहीं पे 15 मिनट में इंसोल बना के दे देते हैं पेशेंट को, और हाई आर्च वाले सारे लोग ठीक हो जाते हैं। अब बॉबी अपना एक्सपीरियंस बताओ, एडजस्टमेंट किया, ये सारी चीजें की। अभी आपने जो एडजस्टमेंट किया था ना, उससे जैसे मुझे कि हाँ जैसे कोई रिलीफ हुआ है। मैं आया था तो तब मुझे बाहर बैठा था तो मुझे दर्द हो रहा था, तो थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ है। हुआ है, वेरी गुड। तो यही रिलैक्स धीरे धीरे और बढ़ेगा। अब ये जैसे ही इसने कहा है कि इसका भी और साइड चल रही है जहाँ पे इसको काम करना है, मैं इससे रिक्वेस्ट भी करूंगा और इसको पुश भी करूंगा कि ये इंसोल पहन के ही काम करे, ताकि इसकी प्रॉब्लम कम हो जाए। आपके भी घर में किसी को ऐसी दिक्कत है, आपको लगता है कि हम उनके लिए सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करें। activeplus.com पे जाएं, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा हैंडल है active_plus, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।